नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। हम इस वक्त खड़े हैं कन्नड़ जो यहाँ पर तालुका है यानी तहसील है उसका ये गांव है हस्ता गांव, वहाँ पर हम हैं और कुछ मुस्लिम फैमिलीज़ जो हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ बदलाव आया है। पिछले 5-10 सालों की बात की जाए तो कुछ बदलाव आपने महसूस किया है? क्या बदलाव है? मतलब जब पहले तो अभी पहले जो था तो जब पहले भोले भाले थे, आप जो था अभी खेती वो अच्छी कर रहे और वो सब कुछ हिसाब से चल रहा है। अच्छा, क्या क्या पहले से क्या बदलाव है? पहले जो था तो बाग इतनी था, ये नहीं था, हमारे धर्म के तालाब नहीं थे कुछ नहीं। अब तालाब हो गए, वो गए तो खेती बाग ही होगी, तब अब सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, पहले तालाब वगैरह नहीं थे? नहीं, जब अब हो गए तालाब तो अब जैसे बागी होगी खेती, वो हमारा अच्छा चल रहा है। अच्छा, हाँ तो पहले खेती में दिक्कत आती थी? हाँ, दिक्कत पानी नहीं था ना पहले। अच्छा, हाँ तो उसके बाद अब जो सरकार ने इंतजाम किए हैं उनसे मदद लगी है? हाँ, मदद लगी है। हाँ लगी, उससे मदद लगी है। हाँ, तो कमाई में क्या अंतर आया है पहले के मुकाबले? कमाई में तो अंतर तो बहुत बड़ा है, पर उसमें सरकार ने ये बाकी चीज़ बहुत महंगी कर दी। खाद खाद बीज ये जो है तो बहुत महंगा कर दिया इसके अंदर। उसमें खेती के अंदर बोले तो मजदूरी बहुत महंगी हो गई है, इसमें नहीं पड़ रहा हमको खेती के अंदर। नहीं, लेकिन लेबर भी तो यही कहता, उसको भी तो खाने को चाहिए। खाद का भाव बहुत बड़ा दिए और ये इसका जो मजदूरी है कुछ खेती की वो भी ये दे रही नहीं सरकार। हम बीज भरन लाते उसी की पानी लाते उसके अंदर बहुत बड़ा भाव बढ़ा दी सरकार ने। नहीं नहीं, लेकिन उसमें आप ये भी तो देखिए लेबर का भी तो कॉस्ट है। लेबर का तो है, सरकार लेबर को भी तो खाना कमाना है। हाँ, लेबर का है तो उसको सरकार ने, उनको लेबर को काम गैरेज नहीं रखी सरकार ने काम करने की। नहीं नहीं, तो भाई सरकार कहीं आसमान से तो लाती नहीं है। नहीं, भाई सरकार के पास भी जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उन्हीं संसाधनों में काम करती कर सकती है ना सरकार। इसकी अंतरण काटी उसकी भी मैं मजदूर नहीं होना करके दूसरे अंतर से भी हम काम करते सरकार ने। और किसान सम्मान निधि मिलती है आपको? हाँ, मिलती है। और चौथे महीने 2000 रुपए आते हैं, मदद लगती है उससे? मदद तो लगती है थोड़ी बहुत, फिर है जब क्या है, मदद तो है थोड़ी बहुत उसकी हमको क्या है। ठीक है, मदद लगती है। आप क्या करते हैं यहाँ पर? अब यहाँ के रहने वाले साहब हम। नहीं नहीं, खेती करते हैं। क्या करते हैं? खेती करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बदलाव दिखा है? वो तो कह रहे हैं तालाब बने हैं, सुधार आया है। हाँ, क्या है अभी की सरकार जो है तो कोई फायदे की नहीं, मुसलमानों के वास्ते कुछ काम की नहीं। जातिवाद करते हो हमारे से? क्या जातिवाद करते हमारे से? कैसे? कुछ भी लाते हमारे ऊपर, कुछ भी छोटे मोटे देख कर कुछ भी बता दो, नहीं सरकार का कोई फायदा नहीं हमको। नहीं नहीं, क्या छोटे मोटे, क्या सरकार ने क्या कर दिया आपके खिलाफ? सरकार के खिलाफ नहीं तो क्या है, कुछ मुसलमानों के वास्ते कुछ भी नहीं उसके वास्ते। क्यों, आपको पक्का मकान नहीं देती है सरकार? नहीं देती, कुछ भी नहीं देती। नहीं नहीं, आपको पीएम आवास योजना पक्का मकान योजना के बारे में पता है? नहीं पता है। पता है मगर हमको नहीं मिलता हो। नहीं, आपने अप्लाई किया है? अप्लाई करने के बाद में भी वो बोलते ऐसा होगा। नहीं 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 नहीं, आपने पहली बात बताइए ना, ऐसे मत बोलिए कि ऐसा होगा और वैसा होगा। आपने अप्लाई किया, दिखाइए आपने कहाँ अप्लाई किया, दिखाइए पर्चा। पर्चा है ना घर पे अभी। हाँ, किसान सम्मान निधि मिलती है आपको? नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? नहीं देते वो कागज पत्र में, क्या उसको लफड़े बोलती है आ गए तो ऑफिस जाओ। तो कागज नहीं है आपके पास? है आपके, मगर वो देते ही नहीं ना, वो बोलते ये ऑफिस को जाओ, वहाँ से बोलते वो ऑफिस जाओ, ऐसा करते करते। नहीं नहीं, कागज नहीं है ना आपके पास? जो कागज वो मांग रहे हैं वो कागज नहीं है ना आपके पास? उन्होंने ले लिए अभी तुरंत। नहीं नहीं, तो कागज नहीं है ना आपके पास जो वो मांग रहे हैं? ये मानिए ना कि आपके कागज पूरे नहीं है, क्योंकि उनको अगर मिल सकती है तो आपको, वो मुसलमान नहीं है क्या? अजीब बात आप कर रहे हैं। उनको भी काहे की मिलती? नहीं, उनको काहे की, आप झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप है? सरकार है? जो ना तो ये कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं आप है? मिलती मिलती। तो आप बताइए ना, आपसे पूछ रही हूँ क्या जातिवाद कर दिया सरकार ने? करते जो कुछ ना कुछ हमारे पे कुछ भी उपलब्ध नहीं कर रहे हमारे ऊपर। नहीं, क्या नहीं कर रहे? कौन सी योजना का लाभ आपको नहीं मिल रहा है? कौन सी योजना में कहा जा रहा है कि मुसलमानों को ये लाभ नहीं देंगे? नहीं दे रहे ना। कौन सी योजना बताइए ना मुझे, कौन सी योजना? किसान में भी नहीं देते? नहीं, कैसे नहीं देते? आपके सामने उदाहरण बैठे हैं, आप खुद कह रहे हैं मेरे पास कागज नहीं है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि सिर्फ नाम देने से, आप नाम भर से किसी को मिल जाएगा। आप सरकार को कह रहे हैं आपके पास अगर कागज नहीं कैसे मिलेगा फायदा? हम 4-4, 10-10 आदमी खटले की उसमें पेड़ भरता नहीं, वो एक को देते तो 10 को नहीं देते। नहीं नहीं भाई, तो जो सरकार के नियम होंगे उसी कायदे में आप करेंगे ना बात। सरकार के नियमों, जो नियम है, जो एक आपके लिए है वो उनके लिए भी है, वो किसी और के लिए भी है, तो नियमों के तहत होगा जी। ये आप क्या करते हैं? खेती करता हूँ। खेती में आपका, आप कौन सी योजनाओं का लाभ लेते हैं आप? योजनाओं का कुछ भी नहीं, फीक बीमा है वगैरह ये वो आता है, दूसरा कुछ योजना है नहीं कुछ दूसरी। नहीं तो एक तो किसान सम्मान निधि योजना उसका आता है? क्यों नहीं आता? नहीं है नहीं कुछ। नहीं, आपके नाम जमीन है? जमीन है ना। डॉक्यूमेंट दिया आपने? डॉक्यूमेंट दिया है ना। हाँ, कब अप्लाई किया था? क्या होता है मैडम, इसमें क्या हुआ, अगर कुछ स्कीम आ रही है
इसके माने की वजह से क्या होता है, ये आधार का जेराक्स, ये जेराक्स, वो जेराक्स। मैं तो चाहता हूँ अगर ये पब्लिक का जो आधार जेराक्स ये वगैरह तीन तीन मरतबा जब ले जाता ना, तो उसमें जो तो आप स्कीम आती है उससे 10 गुना ज्यादा तो पब्लिक का पैसा उधर जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है पैसा? जब पब्लिक आती, कोई आता है जैसे भाई सरकारी कर्मचारी बोल के कोई भी आता है, बैठता है, ये दे दो, वो दे दो, ये जेराक्स दे दो, वो जेराक्स दे दो, जेराक्स 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 के अंदर मेरे को बताओ, एक एक जेराक्स को 5 जगह जेराक्स करके देने देना पड़ता है, इसमें नुकसान किसका है? क्या नुकसान है? आम इंसान का नुकसान है ना। क्या नुकसान है उसमें? है ना, एक ही जेरोक्स तुम 5 जगह मांगेंगे। नहीं नहीं, एक जेरोक्स में कितना पैसा लगता है? अरे लगता है, मगर उसका स्कीम आया तो एक जेरोक्स में कितना पैसा लगता है? 5 रुपया। 5 रुपया, तो अगर आपसे उन्होंने 5 बार जेरोक्स मांगा एक योजना है, 25 रुपया, हाँ तो 25 रुपया, और जो योजना का लाभ है वो है 2000 रुपया, तो 25 रुपया आप खर्च नहीं करना चाहते, आप चाहते डॉक्यूमेंट ना लगे। आया तभी लगेगा ना, आएंगे आने के बाद समझेगा ना। नहीं नहीं, तो पेपर आप लगाएंगे पूरा तब मिलेगा ना सर? नहीं एक सेकेंड, नहीं नहीं पेपर, एक सेकेंड, पेपर आप लगाएंगे नहीं और योजना का लाभ चाहिए आपको, तो पेपर लगाएंगे ना, मगर तुम अगर 10 मरतबा कभी कभी ऐसा होता पेपर देने के बाद भी नहीं हुआ, नहीं ऑनलाइन नहीं, अगर डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होगा तो सर आपका क्या मेरा नहीं होगा? अगर मेरे पास पेपर नहीं है तो ऑटो चीज छोड़ दीजिए, मुझे फ्लाई नहीं करने देगा ऑटो, बहुत छोटी चीज है। दूसरा मुद्दा है जो लड़की बहन कही आया अभी, लड़की बहन जो आई योजना आई, लड़की बहन योजना जब से आई है तब से तेल का भाव बढ़ गया, इससे पहले तेल का भाव बढ़ा नहीं, लड़की बहन योजना चालू होने के पास से तेल का भाव बढ़ गया, बताओ मतलब बहन को देने का और दादी से लेने का? नहीं नहीं, लाड़की बहन अलग है, तेल का भाव अलग है, आप दोनों चीजों को कैसे जोड़ रहे हैं? पहले ये बताइए लाड़की बहन ठीक है या नहीं है? ठीक तो नहीं है मैडम। क्यों ठीक नहीं है? मैडम मेरे को बताओ, आज चलो स्कीम है, सरकार आज स्कीम दे रही है लाड़की बहन को, जो वही बहन है जो खेती में मोल मजदूरी करके कमा लेती थी, बराबर है, आज अगर लाड़की बहन चालू है, अगर ये लाड़की बहन बंद होता है बीच में, लोगों को इससे क्या होगा, लाड़की बहन के योजना से काम करने की आदत टूटती जाएगी, काम करने का आदत टूटते रहेगी, और जब एकदम स्कीम बंद कर देंगे आप तो वो तो क्या है फिर? सर एक बात बताइए, आप कभी उनसे बात की है जो बर्तन मांजते हैं दूसरों के घर में? कभी किया आपने? जो एक एक पैसे के लिए तरसते हैं, मजदूरी जो करते हैं, आपको इस बात से दिक्कत हो रही है कि महिलाओं को पैसे क्यों मिल रहे हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा इस बात से। दिक्कत उससे नहीं मैडम, दिक्कत है अगर सोचे ना, इसके पीछे बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत? अच्छा, इससे पहले लाड़की बहन योजना नहीं थी, अभी इलेक्शन आ गया, अभी लाड़की बहन चालू हो गई, इससे पहले बहने नहीं थी। आप ये बताइए इससे पहले लाड़की बहन कब से शुरू हुई है? ये अभी कब से? 3 महीना चालू हुआ, 3-4 महीने से। हाँ तो 4 महीने पहले से वो स्कीम चालू है, स्कीम चल रही है। हाँ तो फिर क्या आपको उससे क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत कुछ भी नहीं है, मदद लग रही, कम से कम उन महिलाओं से पूछिए जिन्हें मदद लग रही है। सब पूछा है मैडम, मेरी खुद घरवाली उसके अंदर उसमें से है, हमको लगता है इससे ना काम करने की क्षमता खत्म हो जाएंगी, काम कोई लेडीज काम भी नहीं कर सकती। नहीं सर ऐसा आपको लगता है, आपको लग रहा है कि कोई लाड़की बहन आने से काम करना बंद कर देगा? आपने किसान सम्मान निधि आने के बाद बंद कर दिया काम करना? हमारे खुद घर के लोग है समझो, जो पैसे मिल रहे वो औरत हमारे सुनने को तैयार नहीं, खुद के खेत में काम करने के लिए तैयार नहीं। मैं औरतों से ही पूछ लेती हूँ भाई, आप तो बहुत ये भड़के हुए हैं, ये लाड़की बहन का पैसा किसे किसे मिल रहा है? हाँ लाड़की बहन ये कह रहे हैं, नहीं आपने अप्लाई किया था, ये भी तो एक सवाल है ना, और उसमें मैं इनसे पूछती हूँ ना, आपको मिला होगा ना लाड़की बहन का पैसा? आगे आइए, बोलो आगे आइए जरा सा। आपने दिए नहीं, आपने पाओ दुखते थे। एक सेकंड, लाड़की बहन का पैसा आया, कितने पैसे आ गए? 7,500 रुपए आ गए ना। ये कह रहे क्यों दे दिया महिलाओं को पैसा, ये कह रहे हैं ये बैठे हुए सामने, आपको लगता है कि नहीं देना चाहिए सर लड़कियों को पैसा? देना चाहिए पर महंगाई में। हाँ लेकिन जो पैसा मिल रहा है उससे मदद लगती है या नहीं लगती है? नहीं लगती ना। हाँ जो 7,500 रुपए मिले आपने क्या किया उनका? बाजार कर, खर्चे में काम आए ना, मदद लगी ना आपको? लगी, पर फिर दूसरे चीज का भाव बढ़ रहे ना, तो फिर ये घटने को होना ना। नहीं नहीं, तो आप तो मतलब अगर दाम भी बढ़ता रहे और उधर से 1500 ना मिले तब ठीक है, तब ठीक है? नहीं ठीक है, पर जैसा फिर आप महंगी बहुत हो गई ना। नहीं नहीं, महंगाई तो अम्मा महंगाई तो इस देश में, मुझे एक दौर बता दो जब इस देश में कभी महंगाई ना रही हो। आज से 10 साल पहले देश सस्ता था, ये बताओ। नहीं पर ज्यादा महंगा होगा क्योंकि अम्मा अब ज्यादा लोग आपको बताने लगे ना, अब ज्यादा लोगों ने आपसे ये कहना शुरू कर दिया। 10 साल पहले नहीं नहीं अम्मा बात तो ठीक है, गरीब को फ्री राशन मिलता है, पता है आपको? हाँ मिलते, आपको मिलता है फ्री राशन, मिलता होगा ना? हमारे जैसे हमारे घुटने दुखते, पाँव दुखते, क्या करेंगे हमारे जैसे, कहाँ खाए जाएंगे हम? नहीं रहा खाने कुछ, खा लेंगे। अरे अरे अम्मा उम्र कितनी हो गई आपकी?
उम्र होगी खाने को लगने नहीं, नहीं अम्मा उम्र तो बताओ कितनी है, मैं बता पूछूंगी ना उसके साथ। जो बुजुर्गों के लिए पेंशन सरकार ने शुरू की हुई है, कोई पेपर पत्ता लगाया आपका, कहीं पर्चा लगाया आपका किसी ने? आप ये जो बार बार घुटने का दर्द बता रही हो, आपको किसी ने आयुष्मान भारत कार्ड दिलाया? जो हेल्थ कार्ड है लगाया किसी ने पर्चा? सरकार ये सब चला रही है? चला रही है। हाँ तो फिर अब आप आपको कोई फायदा नहीं उठाने दे रहा, तो उनकी गलती है ना। आपका जो आपको कार्ड मिल रहा है, जो आपको स्कीम में जिनमें फायदे हो सकते हैं, अगर कोई आपकी बात नहीं कर रहा तो उनकी दिक्कत है ना ये। तो हम गरीब लोग है ना, गरीब लोग 2000 रुपए भी आ रहे तो इतना सा सामान नहीं आ रहा ना भाई। अरे अम्मा गरीब लोग क्या खाएंगे? नहीं गरीब लोग क्या खाएंगे, मैं तो वही तो आपसे बात कर रही हूँ। हाँ। वही मैं आपसे बात कर रही हूँ कि 2000 रुपए की मदद लग रही कि नहीं लग रही। इधर जा रहे हो, इधर से ला रहे तो दिख रहे भी नहीं हो। अच्छा दिख रहे भी नहीं, नहीं दिख रहे तो चलो कह दो सरकार बंद कर दे, वो 2000 भी देने की जरूरत नहीं है। बोलो 1500 भी बंद कर दे। नहीं अभी दे रहे के वो भरे से, पर महीना। अरे अम्मा एक बात बोलो, या तो आप कहो कि जी से कंटिन्यू करो, फिर ये भी कहती हो कि इससे मुझे मदद नहीं लग रही, फिर ये भी कहती हो इसे बंद कर देंगे, दोनों बात कैसे करोगी अम्मा? पहले डिसाइड करो चाहिए क्या। हाँ लाड़की बहन चालू रहे तो अच्छी है, चालू रहे तो बढ़िया है, बढ़िया है ना, चालू रही तो अच्छा रहेगा, फिर खाएंगे ना। बस ठीक है। हाँ चलिए बताइए, लड़की बहन का पैसा आपको मिल रहा है? उनसे पूछ रहे पीछे जो बैठी खड़ी है, हैं क्या हुआ? आइए क्या करती हैं आप, आगे आइए। खेती का काम करती हैं, तो लड़की बहन का पैसा आता है तो ये जो सारे पुरुष हैं कह रहे हैं कि तो महिलाओं को तो काम करने की आदत नहीं रहेगी। हैं अब उनका कहना भी सही है मैडम। कैसे आपकी आदत छूट गई काम करने की, अब काम करना बंद कर दिया आपने? औरत को क्या है, कभी बीमार रहती कभी कैसे रहती, फिर आप वो तो पुरुष कुछ करना पड़ता है ना। क्या करना पड़ता है? अब काम करके वो करके कमा के उनको लाना पड़ता है ना। नहीं नहीं तो क्या बीमार मतलब 1500 रुपए मिलने के बाद औरत फुल टाइम खाट पकड़ लेगी, आप ये कह रही हैं मुझसे? नहीं क्या कह रही हैं आप, और ये मतलब अगर बीमार हो जाए तो औरत को आराम करने का हक नहीं है आपके हिसाब से? है हक है। आप जब पुरुष बीमार हो जाता है तो महिलाएं जो 5 काम करती हैं वो काम फिर महिलाओं को नहीं करने चाहिए आपके हिसाब से? करती है ना आप सेवा पानी सब करती है ना, तो फिर आपको ये क्यों लगा कि अगर औरत बीमार हो जाए और पुरुष को करना पड़ता है तो दिक्कत है? मैडम सब बात है कि महंगे भी ना। हाँ तो नहीं पहले मुझे ये बताइए, जो 1500 रुपए हर महीने मिले, 7500 रुपए, उससे क्या हुआ, मदद लगी आपको कि नहीं लगी? लगी पर ना ऐसी समझी नहीं ना। हाँ समझी नहीं लगी नहीं पैसे नहीं तो एक सेकेंड, अभी सरकार बंद कर दे तो दिक्कत नहीं है ना फिर उसमें? सरकार को क्या है, इधर से काटते उधर से। नहीं आप ये बताइए ना, सरकार को तो पूरा देश भी चलाना है, वो आप अपना घर चलाने में अगर लड़खड़ा रहे हैं तो कभी हमने ये सोचा है कि सरकार को तो देश भी चलाना है, उसको तो आपको भी देखना है, उसको तो औरों को भी देखना है, तो वो भी है ना। तो ये बोलिए, जैसे आपको घर चलाती है 50 चीजें सोचती हैं, सरकार नहीं सोचेगी देश चलाने में? सोचेंगी ना सरकार। हाँ तो आपको पैसा मिला अब वो बंद कर दे सरकार, आप ये कह रही है ये चली चलता रहे? चालू रहेगा, बंद क्यों करेंगे, रहने दो चालू। हाँ ये है ना। आप लोग क्या करती हो? हाँ पढ़ती हो, क्या करती हो? हाँ स्कूल में नहीं जाती। स्कूल नहीं जाती क्यों? 10वीं हो गई। बस 10 पढ़ा है और आगे नहीं पढ़ोगी? बहुत दूर है स्कूल यहाँ से। हाँ कितनी दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर जाना, पैदल आना पैदल जाना। अच्छा 3 किलोमीटर दूर है स्कूल, तो छोड़ क्यों दिया तुमने? ये जाने आने की तकलीफ थी इसलिए। तो पढ़ने का मन नहीं है तुम्हारा? है। फिर पिताजी भी नहीं जाते। हाँ पापा का इंतकाल हो गया। हाँ तो घर पे अम्मी क्या करती है? अम्मी खेतों में जाते हैं, रोजा मजदूरी करते हैं। हाँ हाँ तो अभी अम्मी को जो 1500 रुपए मिले उससे कोई मदद लगी आपको? नहीं उनको लगी। नहीं मिली। क्यों नहीं मिले उनको? नहीं मिले। उनको मुला क्यों? फॉर्म नहीं भरा? भरे थे मगर उनको नहीं। नहीं पेपर नहीं लगाया? लगाए भी थे। हाँ फिर क्यों नहीं मिला? सब देखो वो सब कह रहे हैं सबको मिला है। उनकी वो दूसरी पगार चालू है ना। हाँ उनको दूसरे पैसे मिलते हैं ना, इसलिए नहीं मिले। हाँ तो वो कैसे मिलेगा, दो योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा? हाँ, है? हाँ, वो दिक्कत है ना। हाँ, लेकिन तुम पढ़ाई क्यों नहीं? मैं अब भी फिर भी मुझे लग रहा है तुम 10वीं के बाद पढ़ती क्यों नहीं हो? वो इसलिए नहीं पढ़ती कि जाने आने को बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए नहीं पढ़ रही। मतलब पढ़ाई का तुमको नहीं है कि मैं अगर पढ़ जाऊंगी तो मुझे मदद मिलेगी? है दिक्कत है पढ़ाई करने की, मगर जाने आने की तकलीफ बहुत है। क्यों यहाँ तो मैं देख रही हूँ लगातार चल रही है ये जो व्हीकल है, जो वाहन है वो जा रहे हैं इधर से उधर, मूवमेंट हो रही है। वो जा रहे हैं मगर टाइम पे स्कूल के टाइम पे कोई नहीं मिलता। स्कूल के टाइम नहीं मिलता तो कितने बजे जाना पड़ता है बच्चे स्कूल में? सुबह जाना पड़ता है और हाँ। शाम में 4 बजे से निकले तो 6 बज जाते हैं यहाँ तक आने। 3 किलोमीटर तुम 2 घंटे में कवर करती हो? हाँ
है, 3 किलोमीटर तय करने में 2 घंटा लगता है। कहाँ है स्कूल? हस्ते के आगे जाना पड़ता है। ये तो हस्ता गांव यही है ना? ये हस्ता गांव है पर ये खेत है हस्ता आगे। अच्छा खेत है ये। हाँ। तो कोई कहता नहीं है पढ़ो तुम? किसने छोड़ा है तुम्हारी पढ़ाई? किसने छोड़ा है? क्यों तुमने कहा नहीं अम्मी से कि हमको पढ़ना है? बोला। फिर क्या बोली? खर्चा बहुत लग रहा है। कितना खर्चा? स्कूल की फीस कितनी है तुम्हारी? स्कूल तो सरकारी स्कूल में पढ़ती होगी तुम? प्राइवेट है, ज्यादा नहीं। क्या कह रही हो? खर्चा नहीं लग रहा, खर्चा बहुत लग रहा है। तो तुम सरकारी स्कूल पढ़ती होगी ना? हाँ। तो फिर क्या दिक्कत है? वो बुक की दिक्कत है, फिर फीस की दिक्कत है, इसलिए। अच्छा तो उन्होंने स्कूल में बात नहीं की जाके? नहीं। हाँ स्कूल में तो कोटा होता है अलग अलग, तो उस कोटा के लिए सरकार से बात, उन्होंने स्कूल में बात नहीं की अम्मी ने? नहीं की। तुमने कहा नहीं अम्मी से कि मेरे लिए स्कूल जाके बात करो? नहीं। क्यों? नहीं कहना चाहिए ना, कहना चाहिए, तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगी ना। पढ़ना जरूरी है बच्चे, पढ़ना बहुत जरूरी है। और हारते हिम्मत नहीं हारते हैं ऐसे। तो यहाँ पे कुछ और देखते हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनसे भी पूछते हैं। ये बाहर जो मर्द बैठे हैं वो कह रहा है आपको लाड़की बहन का पैसा आता है? बाहर आ जाइए आप लोग ना, थोड़ा सा यहाँ बहुत अंधेरा है तो बात करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर आप देखिए कि, हाँ जी, क्या कोई बदलाव आया है पिछले 5-7 साल में यहाँ जिंदगी में, सड़कों में, पानी में, बिजली में बदलाव महसूस किया है? सड़कें तो बनी अभी, 5 साल हो गए सड़कें बनी। हाँ। फिर गांव में ऐसी बस का प्रॉब्लम है अभी। हाँ। वो बदलाव नहीं आया अभी भी। अच्छा बस नहीं है गांव में? बस नहीं है और बस रुकती भी नहीं है। अच्छा अगर रुक जाए तो बहुत बेहतर हो जाए। बेहतर हो जाए। क्या करती हो आप? फार्मासिस्ट हो? तो अभी काम नहीं करती हो कहीं? नहीं अभी एग्जिट एग्जाम के तैयारी। अच्छा, चढ़ी अभी एग्जाम की तैयारी। हाँ, कर रही है। वो फीस के तरह मसले, वो एग्जिट एग्जाम के वो केस जाएगा ना कोर्ट में। अच्छा वो 6,000 फीस है उसकी, तो वो कम कराने का बोल रहे बच्चे। हुँ। वो अभी इतना पैसा भर के 75,000 उसकी तो फीस है एक साल की, तो वो बोले कम कराओ, इतना पैसा भर के भी हम 6,000 भरेंगे तो गरीब का कैसा। तो गांव में अब बस रुकनी चाहिए ये कह रहे हो आप? बस रुकनी चाहिए। आप लोग पढ़ते हो सब? हाँ नहीं, कौन सी क्लास में आ गए आप? 10th में पढ़ती हो। तो अभी गांव को बदलते हुए देखा है थोड़ा बहुत यहाँ पे? अच्छा माले गांव की है तो उनको नहीं पता है। हाँ पर कभी कभार तो आती होगी, तो पहले में और अब आती हो जब हस्ता गांव में, तो कुछ अंतर दिखता है, बदलाव दिखता है? क्या क्या बदलाव? सड़कें वगैरह बदल गई हैं, आना जाना आसान हो गया। हाँ और इतना ही आता है? इतना नहीं, बहुत आता है तुम्हें, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है तुमको यहाँ पर। तो देखिए ये अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, अलग अलग एज ग्रुप, और ये यहाँ पर गांव में किस तरह से दिक्कतें भी हैं लेकिन एक जो चैलेंज है आगे बढ़ने का, उस पर कैसे आगे लगातार परसिस्टेंस के साथ बढ़ना है, हार्डवर्क के साथ बढ़ना है, शायद उस गाइडेंस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।